हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। और मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे, ये है दशाश्वमेध घाट। और यहां पर आप देख रहे होंगे नौका विहार करते हुए, लोगों को दर्शन पूजन करते हुए। तो कैसे आप आ सकते हैं यहां पर, कब आपको यहां पर आना चाहिए, कैसे दर्शन कर सकते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, और साथ ही साथ कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, क्या खर्चा आपका लगेगा, हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको वाराणसी की मिल जाएगी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। वाराणसी जाना बेहद आसान है और यहाँ रेलवे स्टेशन, बस और एयरपोर्ट की भी सुविधा है, जहाँ देश के लगभग सभी हिस्सों से ट्रेन और फ्लाइट्स आती हैं। दिल्ली से यहाँ बाय ट्रेन केवल 12 से 14 घंटे में पहुँचा जा सकता है। रास्ते में मैं यहाँ पढ़ने वाले एक ढाबे में रुका, जहाँ सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट हुआ। So, रास्ते में अभी रुके हैं और यहाँ पर आपने देखा होगा, ये हमने सजा लिया है, पकौड़ियाँ मंगाई हैं 60 रुपीज में, और ये ब्रेड है और इसमें बटर नहीं है, मलाई आपको दिखेगी भरी हुई, देसी मलाई है, और चाय है। और जब आप बनारस जाते हैं तो रास्ते में राजा तालाब पड़ता है, वहीं पे आपको एक रेस्टोरेंट रूटीन दिखाएंगे। क्या है? ठिकाना होटल। ठिकाना होटल पूजा के नाम से है ना? पूजा नाम से ठिकाना। हाँ, और बड़ा मस्त मज़ा आ जाता है गर्मा गर्म जब सुबह सुबह मिलता है चाय और पकौड़ी। पूजा टी स्टॉल है, मस्त मज़ा आ जाएगा। और ये ब्रेड की मलाई भरी पड़ी है, पूरा देसी टेस्ट मिलेगा, ज़रूर आए टेस्ट करें और एंजॉय करें सुबह सुबह के इस ब्रेकफास्ट को, तड़कता भड़कता ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के बाद जल्द ही मैं वाराणसी पहुंच गया, जहां सबसे पहले मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरफ बढ़ा। So, अभी जिस चौराहे पर मैं हूँ, यहीं से काशी विश्वनाथ टेम्पल केवल 400 मीटर की दूरी पर रह जाता है। ये आप देखेंगे बड़ी सी नंदी की ऊपर स्टैचू है और यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा इंडिकेट किया गया है। दशाश्वमेध घाट भी यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर है। काल भैरव मंदिर 1.5 किलोमीटर है, मतलब इस चौराहे पर आके आप सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। और सामने यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा दो पहिया पार्किंग के लिए पूरा बना हुआ है कॉम्प्लेक्स। और इस रोड पे अब मैं जाने वाला हूँ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल के रास्ते में आपको सारी बिल्डिंग्स गुलाबी रंग में रंगी हुई दिखाई देगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन हजारों भक्त आते हैं और यहाँ पर कई चीजें ले जाना अलाउ भी नहीं है। यहाँ प्रसाद के लिए भी ढेरों दुकानें हैं और जाने का रास्ता तंग गलियों से है। So, काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर कैमरा वगैरह या मोबाइल भी अलाउ नहीं है, तो आपको यहाँ पे लॉकर के लिए कई शॉप्स दिखेंगी, जैसे कि ये छोटे छोटे लॉकर्स लगे हैं, छोटे बड़े हैं, हर जगह के बैग भी नहीं अलाउ हुए, केवल आप पर्स अपना ले जा सकते हैं। सो आपको सभी चीज़ें यहीं पर डिपॉजिट करनी पड़ेंगी और फिर उसके बाद आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो अंदर का मैं कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन बाकी आप यहाँ पे ये गलियाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, माला फूल वगैरह सब ले जा सकते हैं। और भीड़ भाड़ काफ़ी है क्योंकि संडे का दिन है, तो भीड़ भाड़ काफ़ी है, देखते हैं कितना समय लगता है दर्शन करने में। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में इस मंदिर का एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन मैंने कर लिए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है। केवल 5 मिनट लगा है मुझे अंदर दर्शन करने में। सुबह 9 बजे मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आप जितना जल्दी आएंगे, सुबह 4 बजे से मंदिर ओपन हो जाता है रात 11 बजे तक, और आप पूरे टाइम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी आप आएंगे, सुबह 9 बजे के पहले पहले आ जाएंगे, तो आपको आराम से दर्शन हो जाएगा, लाइन वगैरह में नहीं लगना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रसाद 2 तरह का मिलता है। एक ये है 80 रुपये का, और ये अंदर मिला है ये आपको 100 रुपये का मिलेगा, 200-250 ग्राम के करीब में। तो अंदर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। प्रसाद बस टच करा के वापस दे देते हैं, उतना ही काफ़ी है। और दुकानें वगैरह यहाँ पर कई सारी हैं, जहाँ भी आप चाहें ले सकते हैं। और अभी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन में है, धीरे धीरे अभी और भी चीज़ें बन रही हैं। अंदर हनुमान जी का भी टेम्पल है, काशी विश्वनाथ जी तो हैं ही, साथ ही अन्नपूर्णा जी का भी मंदिर है, श्री राम जी का भी है, तो कई सारे मंदिर हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन में धीरे धीरे बन रहा है। तो अभी आप जब आएंगे तो शायद आपको और भी सारी कई चीज़ें देखने को मिल जाए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ मंदिर के पास काफी सस्ते में आपको खाना मिल जाएगा, और केवल 30 रुपए में डोसा और 15 रुपए में 2 पीस इडली भी मिल जाती है। साथ ही सुबह सुबह यहाँ पूरी सब्जी और जलेबी भी नाश्ते में खूब चलती है। यहाँ 200 से 300 रुपए में व्हीलचेयर की भी सुविधा मिल जाती है, और समय समय पे यहाँ पर सैनिटाइजेशन भी होता रहता है। वाराणसी की प्लेसेस घूमने के लिए मैंने स्कूटी ले ली है, मेरे फ्रेंड की स्कूटी मिल गई मुझको, तो मैं इसी से घूम रहा हूँ यहाँ पर। और आप भी यहाँ पर हायर कर सकते हैं 500-600 रुपए में, ऑनलाइन आपको कई मिल जाएंगी लोकेशन जहाँ पे आप स्कूटी हायर कर सकते हैं। और पेट्रोल वगैरह मुश्किल से 200-250 या 300 का डलवा के आप यहाँ की पूरी प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको केवल ज़रूरत होगी रियल की, और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा अपना कोई आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वो डिपॉजिट करना होगा और आपको स्कूटी मिल जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद यहाँ से आधा किलोमीटर दूर ही मैं दशाश्वमेध घाट पर पहुँचा। काशी विश्वनाथ टेम्पल से केवल आधा पौना किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दशाश्वमेध घाट वाराणसी का, और वहाँ पे मैं आ गया हूँ। और यहीं पर होती है शाम की आरती, जिसको भी देखने के आप गवाह बन सकते हैं। बहुत प्यारी सी प्लेस है और बहुत ही आध्यात्मिक आप हो जाएंगे यहाँ पर आकर, क्योंकि ये प्लेस ही ऐसी है। और यहाँ पर भी आप जैसे देखते हैं पिक्चरों में, यहाँ पे बैठे होते हैं दर्शन पूजन के लिए, पंडित वगैरह होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पूजा कराते हैं, वो आपको दिख जाएंगे। और बाकी यहाँ पर आप गंगा मैया के स्नान भी कर सकते हैं और नौका विहार भी। तो कितने बजे से कितने बजे आरती होती है? संडे में अभी तो 6:30 से 7:30 मॉर्निंग में, इवनिंग में? इवनिंग में 6:30 से 7:30। मॉर्निंग में सिर्फ एक आरती होती है, 5 बजे होती है। अच्छा, तो यहाँ पर प्रद्युम्न जी से मैं मिला हूँ, और यहाँ पे मतलब मेरी वीडियोस भी देखते हैं, और काफी अच्छा लगा मुझे मिलके, और इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि क्या क्या टाइमिंग। भैया का वीडियो देख के मैं घूमने ट्रेवल भी करता हूँ, जानकारी होती है। थैंक यू। यहाँ का कैसे क्या है, किस गली में क्या है, तो सुविधा होती है। भैया को थैंक यू सो मच आपका। जय हो प्रभु, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ तो कमरे में आना चाहते हैं, कमरे के अंदर। यही घाट पर ही बंदी देवी का भी मंदिर है, जहां भक्त ताले बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। दशाश्वमेध घाट के पास में ही है बंदी देवी का मंदिर, और कहते हैं अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी या फिर किसी तरह की भी मान्यता है, आपकी किसी में परेशानी आ रही है, किसी भी समस्या कोई भी आ रही है, तो आप यहाँ पर आके दर्शन करें तो आपकी वो समस्या दूर होगी। तो बहुत मान्यता है इस जगह की, और काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप भी एक बार आएँ और दर्शन करें, जो भी समस्या हो भगवान को बताएँ, और भगवान ज़रूर आपकी मदद करेंगे। इसके बाद घाट को और अच्छे से देखने के लिए मैं ऊपर की तरफ गया। सो अभी मैं आ चुका हूँ दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल एक तरह से कहते हैं टॉप पर, और यहाँ से
पूरा घाट की पूरी जो आप ये देख रहे होंगे लाइन प्रॉपर दिख रही है, और जो बर्ड्स हैं वो उड़ते हुए दिख रहे हैं, हमारी गंगा नदी दिख रही है, पावन नदी दिख रही है, और लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे दर्शन पूजन के लिए पूरा यहाँ पे लगी हुई हैं चौकियाँ छोटी छोटी, वहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं और अपनी अपनी मन्नतें जो होती है वो पूरी करते हैं। सो एक अलग ही फीलिंग यहाँ पे आएगी और मन एकदम जैसे आपका ना अगर कहीं से दुखी भी होगा ना तो प्रसन्न हो जाएगा, और वैसा ही कुछ मैं फील कर रहा हूँ। हालांकि मैं दुखी नहीं था यहाँ पे, यहाँ पे आने से पहले प्रसन्न था, और आकर तो मतलब कि पूरा एकदम जो दिल की तमन्ना होती है वो पूरी हो गई है। सो बहुत प्यारा इस टाइम आपको यहाँ पे फीलिंग आएगी, अगर आप कभी भी आते हैं और जाड़े में आते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहीं पे आरती भी होती है, तो यहाँ से भी आप आरती खड़े खड़े देख सकते हैं। बनारस अपनी भटकने वाली गलियों के लिए मशहूर है, और इन गलियों में भटकते भटकते मैं निकल पड़ा यहाँ के 80 घाट की तरफ। बनारस का 80 घाट काफ़ी मशहूर है, और यहाँ का आपको व्यू कई मूवीज़ में भी दिखा होगा, और ये आप देख रहे होंगे घाट पे आप यहाँ पे नौका विहार भी कर सकते हैं, 200-300 रुपए लगते हैं, और सिंगल आप पर पर्सन भी जाते हैं तो 50-100 रुपए में भी आपका काम हो जाता है। और यहाँ पर आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे बर्ड्स वगैरह भी घूम रही हैं। सो ये जो प्लेस है मशहूर है बनारस की, और यहाँ पर भी आपको आना ज़रूर पड़ेगा अगर आप बनारस में आ रहे हैं तो। वाराणसी में शॉपिंग के लिए गोदोलिया, दाल मंडी, चौक, विश्वनाथ लेन और गोलघर की मार्केट काफी मशहूर है, और यहाँ कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स भी हैं। वाराणसी में खाने पीने की चीजें काफी सही रेट में आपको मिल जाएगी, मतलब 25 रुपए में ये है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास में गया था तो 30 रुपए में डोसा था, और अच्छी खासी क्वांटिटी भी होती है। ये 25 रुपए का बर्गर है, हालांकि इसमें टिक्की नहीं भरी है, पर फिर भी पाव भाजी टाइप में ये बन गया है, पर खाने में मजेदार है। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU भी काफी बड़े एरिया में है, और यूनिवर्सिटी होने के साथ ही इसमें हॉस्पिटल, बड़े फील्ड्स और न्यू विश्वनाथ मंदिर भी है। मेरे बैक साइड में है काशी विश्वनाथ का ये नया वाला मंदिर है जो कि BHU के कॉम्प्लेक्स में है, और यहाँ पर अभी लंबी लाइन देखने को मिल रही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं इसे कहेंगे। अभी मंदिर थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है और ओपन होगा तो सब अंदर जाएंगे, तो फिर उसके बाद भीड़ थोड़ी छट जाएगी, और यहाँ पर भी दर्शन ज़रूर करें। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ। भैया टाइमिंग क्या है मंदिर की? एक बजे नहीं, वैसे क्या टाइम है सुबह से? सुबह से आपको टाइम है 7 से, हाँ 7 से 11, सुबह 7 से 11, फिर 1 बजे से 6:30 बजे, 1 बजे से बीच में बंद रहता है। थैंक यू। विश्वनाथ मंदिर से मैं बनारस के संकट मोचन मंदिर की तरफ गया, लेकिन मैं जब गया तो मंदिर उस वक्त क्लोज था, और यहीं से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है दुर्गा कुंड मंदिर, जहां पर बड़ा सा कुंड बना हुआ है, और मंदिर पूरे लाल रंग का बना हुआ है जो काफी खूबसूरत दिखता है। अभी मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में वाराणसी के फंसा हुआ, यहाँ काफ़ी ट्रैफिक होता है, और क्योंकि संडे का दिन है फिर भी ट्रैफिक है, और अभी सारनाथ के लिए जा रहा हूँ, और जो कि लगभग मेन वाराणसी से कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सारनाथ में सबसे पहले मैं पहुंचा यहाँ के थीम पार्क में,
जहां काफी भीड़ थी। यहां पर मूलगंध कुटी विहार है जो कि एक मंदिर है और यहां पर गार्डन भी है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने प्रथम बार यहाँ पे उपदेश दिया था और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं इसको बोधि वृक्ष कहते हैं और यहीं पर उपदेश दिया था और उसी के कारण यहाँ पर इस तरह का ये कुछ स्ट्रक्चर भी बनाया गया है और यहाँ पर पूरी कहानियाँ जो भी हैं लिखा हुआ है। सारनाथ में कई बौद्ध मंदिर हैं और छोटी सी मार्केट भी है, पर सबसे खास है यहाँ का म्यूजियम और मॉन्यूमेंट जहाँ स्तूप बना हुआ है और यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपए है। सारनाथ की जो सबसे खास प्लेस है वो है यहाँ का धमेक स्तूप। मेरे कैमरे में भी ये पूरा नहीं आ पा रहा है, अभी को आया है थोड़ा आगे बढ़ने पर। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 33 मीटर है और जो इसका व्यास है मतलब गोलाई है वो लगभग 28 मीटर का है और ये नीचे तक भी गया, अगर नीचे से अंदर ज़मीन के अंदर से इसको काउंट किया जाए तो लगभग 39 मीटर की ऊंचाई है और काफ़ी विशाल का ये दिखता है और इसमें आले बने हुए हैं और इसकी स्ट्रक्चर में आज भी आपको नक्काशी होती है वो दिखाई देगी। सो वाराणसी की वीडियो आपने देख ली होगी और यहाँ पर घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 दिन होने चाहिए। डे 1 में आप यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं, घाटों पर घूम सकते हैं और यहाँ पर आप आसपास के मंदिर में जा सकते हैं। डे 2 में आप दुर्गा कुंड जा सकते हैं, संकट मोचन जा सकते हैं, काशी विश्वनाथ के जो टेम्पल है BHU का वहाँ पे जा सकते हैं और उसके बाद आप आ सकते हैं सारनाथ में। तो 2 दिन में आप ये सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं और होटल आपको 2 दिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नाइट के लिए यहाँ पर बुक करें, पहले नाइट में जो आपका रहेगा डे में आप जो मैंने आइटनरी बनाई है उसके हिसाब से घूम लें और दूसरे डे में आप चेकआउट करके बाकी प्लेसेस एक्सप्लोर कर लें। तो एक नाइट का आपका केवल होटल का खर्चा होगा और मैं आपको बता देता हूँ क्या खर्चा लगेगा। होटल आपको यहाँ पे 1000 से 1500 रुपये में आराम से मिल जाएगा। मील्स की बात करें तो आपका एक दिन का 1000 रुपये के आसपास खर्च आएगा और ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर स्कूटी लेते हैं तब भी आपका 500-600 में स्कूटी मिलेगी तो आपका पेट्रोल भरवा के 1000 रुपये के आसपास का खर्चा आ जाएगा। 2 लोग रहेंगे तो 500 में डिवाइड हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन मतलब टोटल करेंगे तो 1000 रुपये आएगा। तो टोटल पर पर्सन कॉस्ट बता देता हूँ, 1000 रुपये का लगभग होटल, मील्स का आपका 1000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन का 1000 रुपये, 3000 रुपये में आप आराम से घूम सकते हैं। अगर यही 2 लोग होंगे तो आप आई थिंक 2000 रुपये या 1500 में भी घूम सकते हैं। सो 3000 रुपये में बनारस काफ़ी अच्छी प्लेस है। अब यहाँ तक घूमने का, यहाँ तक पहुँचने का जो खर्चा होगा वो अलग से होगा और बाकी यहाँ पर घूमने के लिए सारे साधन मौजूद हैं। आप चाहे तो बस से भी घूम सकते हैं, चाहे तो ऑटो से भी घूम सकते हैं और फैमिली के साथ आ रहे हैं तब भी आपके लिए ये बहुत सस्ती प्लेस ही होगी। हालाँकि आप एंट्री फ़ीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा कोई जगह है नहीं, सारनाथ में ही है और नौका विहार वगैरह करते हैं तो उसमें भी 200-400 रुपये का खर्च आएगा अगर फैमिली के साथ करते हैं। तो ओवरऑल इतना ही खर्चा है और इतने में यहाँ की प्लेसेस कवर कर सकते हैं। और आपके लिए ये जो बेस्ट टाइम होगा यहाँ घूमने के लिए वो हो सकता है आपके लिए विंटर का, और जो कि होता है आपका नवंबर से लेकर आपका मार्च तक का होता है। उस टाइम में अगर आप आएंगे तो यहाँ की प्लेसेस आराम से घूम लेंगे क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए उस टाइम अवॉइड करें। यहाँ पर अगर आते हैं तो फिर एसी कार में घूमें, और कार से भी आप घूमते हैं तो 1000 से 1500 रुपये का एक दिन का खर्चा लगेगा आपका। तो ओवरऑल ये बजट था और इसके अलावा आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी फ़ी पे करके आप जानकारी ले सकते हैं जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है और उस फॉर्म को फिल करके पे करके आप डिटेल जान सकते हैं। सो पूरी वीडियो बनारस की यही थी और मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।